बनाया है एक रशर कॉम्बो, वो भी सीएस प्लेयर के लिए, जिस रशर कॉम्बो में किन कैरेक्टर को, किन पेट को और किन लोड आउट को यूज करना चाहिए ये बताया है। तो अगर आप भी एक रशर प्लेयर हो और सीएस रैंक खेलते हो तो ये रशर कॉम्बो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें लोड आउट और पेट को बताने से पहले बात करते हैं रशर कॉम्बो के फर्स्ट कैरेक्टर की। रशर कॉम्बो, अब मान लो आप एक रशर प्लेयर हो तो एक बार एक्टिव कैरेक्टर में ऐसा कैरेक्टर सोचो जो रशिंग में हेल्प करता है। तो आई होप मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स ने तत्सुया कैरेक्टर को ही सोचा होगा और सेकंड नंबर पे वुकुम को, जो कैरेक्टर्स रशर की मेन प्रायोरिटी भी होती है। तो इसलिए इस रशर कॉम्बो में आपको फर्स्ट कैरेक्टर में तत्सुया कैरेक्टर को यूज करना है, जिस कैरेक्टर से आप एनिमीज पे रश कर सकते हो, इन लोकेशन पे जल्दी जाके इनका बेनिफिट ले सकते हो और फास्ट एयर ड्रॉप को लूट भी कर सकते हो। अब मान लो तत्सुया कैरेक्टर से आपने एनिमीज पे रश कर लिया, पर जब रश करोगे तब अगर आपके पास नॉर्मल एचपी से ज्यादा एचपी मतलब एक्स्ट्रा एचपी होगी तो आप किसी भी एनिमी को जल्दी मार पाओगे ना। तो इसलिए अब सेकंड स्लॉट में एंटोनियो कैरेक्टर को यूज करना है, जो आपको एक्स्ट्रा 30 एचपी शील्ड पॉइंट देता है, जिससे आपकी एचपी 200 से 230 एचपी हो जाती है, जिसमें मान लो किसी एनिमी ने आपको रश करते वक्त डैमेज कर दिया तो सबसे पहले आपकी एक्स्ट्रा 30 एचपी शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा और जब एचपी शील्ड पॉइंट टूट जाएगी तब आपकी रियल एचपी पे डैमेज पड़ेगा। अब ज्यादा एचपी होने से आपको नॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। अब दसवें कैरेक्टर से रश भी कर लिया पर रश करते वक्त एनिमी से डैमेज हो गए और जिससे एंटोनियो की एक्स्ट्रा एचपी शील्ड भी टूट चुकी है, पर अच्छी बात है कि आपके सब वेस्ट और हेलमेट है तो तब आपके आर्मर के ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने में एंड्रू कैरेक्टर मदद करेगा, जिस कैरेक्टर से आपके वेस्ट और हेलमेट मतलब आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपको डैमेज कम पड़ेगा, मतलब एक तरीके से ये कैरेक्टर आपको डिफेंस में मदद करेगा, पर सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आपके पास आर्मर होना चाहिए। अब आर्मर को जल्द से जल्द कैसे ले इसे तो आगे बताऊंगा। अब तत्सुया और एंटोनियो रशिंग में हेल्प कर रहे हैं और एंड्रू कैरेक्टर भी डिफेंस में हेल्प कर रहा है, पर जब फाइट लेते वक्त क्या हो आप एनिमी को जल्दी मार पाओ वो भी हेडशॉट के साथ, तो वो एनिमी जल्दी मर जाएगा ना। तो एनिमीज को जल्दी नॉक करने के लिए अब आपको लूना कैरेक्टर मदद करेगी, जिस कैरेक्टर की मदद से आपके किसी भी गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। अब रेट ऑफ फायर इंक्रीज होने से अल्टीमेटली आपके हेडशॉट भी इजीली लगेंगे और गन से बुलेट भी फास्ट निकलेंगे, जिससे रश करते वक्त बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, जिन प्लेयर के पास पहले से ही रेट ऑफ फायर वाले या फिर ज्यादा डैमेज देने वाले गन स्किन्स है तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर जिन प्लेयर के पास ऐसे गन स्किन्स नहीं है वो टेंशन ना ले, वो बिना गन स्किन भी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। और हाँ, आप रश के साथ एयर ड्रॉप को लूट करने वाले प्लेयर हो तो आपको फोर्थ राउंड में वेस्ट थिकनर भी मिल जाएगा, जिससे आपकी एचपी 230 से 260 भी हो जाएगी, जिससे रश करते वक्त और भी ज्यादा मदद होगी। अब ये रशर कॉम्बो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे एक्टिव कैरेक्टर में तत्सुया कैरेक्टर है और तीनों पैसिव कैरेक्टर्स में एंटोनियो, एंड्रू और लूना कैरेक्टर है, जो कॉम्बो कम्प्लीटली रश करने में हेल्प करता है। पर अगर और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो लोड आउट और पेट में क्या रखे इसे भी देख लो। अब इस रशर कॉम्बो में एक भी हीलिंग वाले कैरेक्टर्स नहीं है, तो लोड आउट में आपको दो लोड आउट सजेस्ट करूंगा। पहला सीक्रेट ल्यू, जो लोड आउट आपको और आपके सारे टीममेट्स को हीलिंग में हेल्प करता है और साथ ही साथ मूवमेंट स्पीड में, और दूसरा आर्मर ग्रेड, स्पेशली एंड्रू की एबिलिटी को ऑन करने के लिए, क्योंकि जब आर्मर होगा तभी तो एंड्रू बेनिफिट देगा ना। और अब आर्मर क्रेट होने से सेकंड और थर्ड राउंड में आर्मर परचेस करने का भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आर्मर क्रेट से इजीली वेस्ट और हेलमेट भी मिल जाते हैं, तो इसलिए आर्मर क्रेट भी एक बेस्ट लोड आउट है। अब ये रशर कॉम्बो सिर्फ रश और डिफेंस वाला है, तो इसलिए जो पेट हिल में मदद करे उन्हें ही प्रेफर करना, जैसे एजेंट होप और कैक्टस पेट, जिसमें दोनों पेट ईपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजेंट होप जोन श्रिंक होने पे और कैक्टस पेट एक जगह रहने पे। अब इन दोनों पेट में जो भी पेट आपके पास है उसे इस रशर कॉम्बो के साथ यूज कर लेना। अब आई होप मैं इस एक्सप्लेनेशन से आशा करता हूँ कि आपको ये रशर कॉम्बो अच्छे से समझ आया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस रशर कॉम्बो को जरूर से यूज भी करके देखोगे। अब रशर कॉम्बो को यूज करने से पहले अगर आप भी स्नाइपर गन सेकंड राउंड में लेना चाहते हो और आप एक स्नाइपर प्लेयर भी हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करो, पर जिन्हें कॉम्पिटिशन वीडियोस पसंद है वो इस वीडियो पे क्लिक करें, जिससे क्या पता आपको कॉम्पिटिशन का विनर पता चल जाए। तो आप वीडियो पे क्लिक करो, मैं मिलूंगा आपको क्लिक की वीडियो पे। तब तक के लिए सी यू लेटर, गुड बाय।